गोइंग टू स्पेंड योर होल लाइफ इन दिस लेकिन प्लांट की जिंदगी में स्टेजेस आते हैं दो फेजेस आ सकते हैं एक फेज होता है गेमिडोफिटिक फेज और दूसरा फेज होता है स्पोरोफिटिक फेज जिसको हम बोलते हैं स्पोरोफाइट। गेमिटोफाइट हैप्लोइड स्ट्रक्चर है कैरीज़ गेमीट कैरीज ऐसा स्ट्रक्चर जो है पूरा का पूरा हर सेल ऐसा है जिस सेल के अंदर सिर्फ एक कॉपी ऑफ जेनेटिक मटेरियल है सिर्फ एक सेट ऑफ क्रोमोजोम है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम रखने वाला जो गेमीट कैरी करेगा उसको बोला हमने गेमीटोफाइट डिप्लॉइड स्ट्रक्चर दैट कैरीज स्पोर स्पोर कैरी करने वाला डिप्लॉइड स्ट्रक्चर कहलाता है स्पोरोफाइट ठीक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर से आप होना चाहते हो हैप्लॉइन डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है आपके पास उससे आप होना चाहते हो हैप्लॉइन आप क्रोमोजोम नंबर रिड्यूस करना चाहते हो बाय हाफ आप कौन सा प्रोसेस करोगे आप जाओगे के लिए रिडक्शनल इज इन दैट राइट है कि नहीं बोलो क्लियर हाँ तो स्पोरोफाइट से आप हो गए हैप्लोइड आप मतलब पेड़ <laughs> आप नहीं आप डिप्लॉइड से हो गए हाफ लॉइड कैसे मियोसिस कराते मियोसिस कराने के बाद अगर मैं आप में बोलूँ इन ह्यूमंस मियोसिस कराने के बाद कोई बहुत इलेबोरेट स्ट्रक्चर नहीं बनता सिर्फ दो गेमिट्स बनते हैं उनमें फ्यूजन हो जाता है नेक्स्ट जनरेशन आ जाती है डिप्लॉइड फिर से तो कुछ एग्जिस्टेंस नहीं है अकेले सिर्फ गेमिट ही है वो देर इज नो स्ट्रक्चर दैट इज फॉर्मड हैपलॉइड बट यहाँ पे स्ट्रक्चर्स हैं जो हैप्लॉइड बनते हैं प्रॉपर मल्टी सेल्यूलर मास बनता है जो हैप्लॉइड कहानी इधर की तरफ अगर जाती है तो हैप्लॉइड से डिप्लॉइड होना चाहोगे तो अगर हैप्लॉइड से डिप्लॉइड होना चाहते हो तो माइटोसिस काम करेगा क्या माइटोसिस इक्वेशनल डिविजन वो तो हैप्लॉइड को हैप्लॉइड ही रखेगा diploid तो कर नहीं सकता इसका मतलब सिंह fertilization फर्टिलाइजेशन विल वर्क सो दिस इज द क्लासिक प्लांट लाइफ एक स्ट्रक्चर है जो गेमीट बनाता है उस गेमीट में फर्टिलाइजेशन होती है तो स्पोरोफाइट बनता है एक स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर मियोसिस शो करता है तो स्पोर बनता है और जब वो स्पोर जर्मिनेट होता है तो वापस बनता है गेमीटोफाइट ये नुन्नू सी लाइफ साइकिल है प्लांट की जरा सी सबसे बेसिक राइट right? Just a basic life cycle, such a simple life cycle that you have. Clear?